गणेश जी का जन्म भादपत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, इसीलिए आज गणपति जी की बात होगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर आप गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये कैसे होगा आज आपको खास जानकारी दूंगी। अब जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? वर्किंग प्लेस पर किसी भी पार्ट में वक्रदुंड की प्रतिमा या चित्र को लगाएं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में गणपति का फेस दक्षिण दिशा या फिर साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है। क्या घर के लोगों के बीच प्यार नहीं है? तो आप भी गणेश चतुर्थी का महा उपाय कीजिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक बहुत प्रिय है, इसीलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। सबको बांट कर मोदक खाएं, घर के लोगों में प्यार बढ़ेगा। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या जहां हाथ डालते हैं घाटा हो जाता है, मुनाफा नहीं होता? गणेश चतुर्थी पर तीसरा महा उपाय कीजिए। गणपति जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस में ब्रह्म स्थान यानी कि केंद्र में रखें। ईशान कोण और ईस्ट में सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ रहता है। आइए अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। क्या घर में दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं? वास्तु दोष से परेशान है तो आज यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चौथा महा उपाय जरूर कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो, उसकी दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिलाकर लगा दें। इस प्रकार की दूसरी प्रतिमा का चित्र लगाने से पीठ जो है एक दूसरे से ढक जाए, इससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको बताती हूँ झटपट आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है? तो गणेश चतुर्थी के दिन नेगेटिव एनर्जी को भगाने वाला महा उपाय कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 उंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।